कुर्क हुई है, ममफोर्ड गंज पे करोड़ों की दो मकान कुर्क किए गए। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। 10 करोड़ की चल संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। परीक्षा भर्ती घोटाले में आया था केएल पटेल का नाम, कुछ दिन पहले जमानत पर रिहा हुआ था केएल पटेल, तो वही मकान जहां कुर्की की कार्रवाई की गई है। दरअसल शिक्षा माफिया जिस पर यह बड़ा चाबुक प्रशासन का चला है, ये एक शिक्षा माफिया है और इनके अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है, कुर्की की कार्रवाई है। इसमें लगभग इनके जो संपत्ति है, दो मकान है जिसका टोटल वैल्यू लगभग 10 करोड़ का है। प्रयागराज में माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के बाद अब शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और शिक्षा माफिया के एल पटेल की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। हम इस वक्त प्रयागराज के मफोदगंज मोहल्ले में के एल पटेल के घर पर मौजूद हैं जिसकी कुर्की की जा रही है। तो आप देखें तो सामने यहां पर जो मकान के दरवाजे हैं उनको सील किया जा रहा है ताकि इसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके, और बाकायदा मुनादी कराई गई है। अगर आप बाहर की तस्वीर देखें तो भारी संख्या में फोर्स के लोग यहां पर मौजूद हैं। घर के बाहर बाकायदा जो ढोल है उसको पिटवाया जा रहा है ताकि आसपास के लोगों तक ये सूचना पहुंच सके कि शिक्षा माफिया के एल पटेल की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में फोर्स के लोग मौजूद हैं और बाकायदा यहां पर ढोल जो है ढोल नगाड़ों के साथ सूचना दी जा रही है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों तक ये सूचना पहुंच जाती है कि मकान की कुर्की हो गई, इसलिए बाकायदा ढोल पिटवाया गया और यहां पर नोटिस बोर्ड लगाया गया केएल पटेल से संबंधित जो भी संपत्ति मिलेगी उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसको भी इसी संपत्ति की तरह कुर्क कर दिया जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर झांसी से, केशव मौर्य का अखिलेश पर निशाना, अपराधियों के सरगना है अखिलेश। तो बड़ी खबर झांसी से, केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अपराधियों के सरगना है अखिलेश, अपराधियों के अलावा उनके पास मुद्दा नहीं। देश विरोधी गतिविधियों के चलते पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगा है। तो एक तरफ अखिलेश पर हमलावर तो दूसरी ओर पीएफआई पर बयान देते नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। तो आप ये जान लो, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती। नंबर एक, और श्री अखिलेश यादव जी क्योंकि अपराधियों के सरगना है, माफियाओं के सरगना है, दंगाइयों के सरगना है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। रोज इस प्रकार के बयान देते, अपराधियों को साथ छोड़ दें तो उनके पास कोई ऐसा विरोध के लिए मुद्दा नहीं रहे। जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, और हिंदू की कौन कहे उनको मुसलमान भी वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पीएफआई के विरोध में है। तो आप कुशीनगर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रशासनिक लापरवाही पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। वो जहां जहां निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारियों को फटकार ही सुनना पड़ा, क्योंकि कहीं भी व्यवस्था चाक चौबंद नजर नहीं आई। डिप्टी सीएम आग बबूला हुए तो मातहत अधिकारियों की खिड़की बंद गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को कुशीनगर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्राथमिक विद्यालय का ये हाल देखकर डिप्टी सीएम ने जमकर अधिकारियों को फटकार लगाई। हर जगह ऐसे हुआ कि एक जगह तो हम देख ले रहे हैं लाइट जलता है, लाइट जलता है तो पूरा फिक्स कर देना चाहिए जगह की। कुशीनगर के प्राथमिक विद्यालय के अंदर की ये तस्वीर बता रही है कैसे सरकारी योजनाओं को यहाँ के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। पूरा चलाना पानी, अभी तो यहाँ निरीक्षण है तब ये हाल है। जरा जरा अब ज्यादा नहीं चलना, टूट जाए टूटी है। विद्यालय में खाली चूल्हा देखकर बीएसए और डीएम की खिंचाई भी की गई। और इसके उपयोग में दिख रहा नहीं, उपयोग में आपका ये भरना भी उपयोग में नहीं है, सिलेंडर भी तो नहीं है यहाँ।
बिना गैस सिलेंडर के दिखावा के लिए गैस चूल्हा सजाने पर सवाल किया गया। सिलेंडर की चली का दूसरे तो कौन सा चलेगा? कहाँ सिलेंडर हुआ, कहाँ चूल्हा, कहाँ? यहाँ देखिए, हेल्थ वेलनेस सेंटर में कंप्यूटर ही नदारद था। और जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उसको चलाएंगे सीएमओ और ये डीआई आपके लाख लाख रुपया सर वसूली कर रहे हैं। जो भी आप शिकायत दे रहे हैं, अगर कोई हमारे पास चिट्ठी आएगी पत्र आएगा, कुशीनगर में चल रही सरकारी योजनाओं का डिप्टी सीएम बेहद खफा नजर आए। डीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया और फटकार लगाई गई। कुशीनगर से एसएन शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट। 49 लोगों के जब हम चले जाएं यही बैठक करते। बढ़ता आगे, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हमलावरों की जमानत के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैसी की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल मामले में आरोपी सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है ताकि हाईकोर्ट को दोबारा ये मामला विचार के लिए भेजा जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को हथियार सप्लाई करने के आरोप में जमानत पाए मोहम्मद अलीम की जमानत पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया। ओवैसी की ओर से एडवोकेट ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अपराध से जोड़ना मुश्किल है, अभी कोई शिनाख्त परेड भी नहीं हुई है। ओवैसी के वकील ने कहा कि इनकी जमानत से हमारे मुवक्किल को खतरा हो सकता है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।